आखिरकार 15 साल के बाद सदर अस्पताल का वनवास खत्म हो गया। मंगलवार को अत्याधुनिक सेवाओं से लैस सदर अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह का समय सुबह 11:30 बजे तय किया गया था, जिसे बाद में बदलकर 1:00 बजे निर्धारित किया गया। उद्घाटन समारोह में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद संजय सेठ और रांची के विधायक सीपी सिंह को आमंत्रित किया गया था, लेकिन तीनों ने अपने आप को कार्यक्रम से किनारे रखा। सीएस डॉ विनोद कुमार और अन्य चिकित्सकों ने औपचारिक रूप से अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार ने कहा कि मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से लैस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। यहां ब्लड कैंसर से ग्रसित मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। गायनेकोलॉजी विभाग में प्रति महीने 600 से 700 महिलाओं का प्रसव सदर अस्पताल में होता है। नई व्यवस्था के शुरू हो जाने से गर्भवती महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा। इस नई बिल्डिंग में कुल 17 ओपीडी चलेगी। अस्पताल में नई बिल्डिंग के होने के कारण इसमें जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें काफ़ी स्पेस क्रंच था, डॉक्टर की कमी थी, और नई सेवाओं के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग सर्विस इमरजेंसी में सड़क बटन बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमने जो नई सर्विस स्टार्ट से दी है इसमें हम लोग सारी सेवाएँ अपनी तरीके से दे सकेंगे और वो काफ़ी क्वालिटी केयर होगा। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अलग है, सब कुछ रखा है, रिस्पॉन्स की सुविधा है, जाँच की सुविधा है, इमरजेंसी में 24 घंटे एक्सरे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।